Good afternoon, children. Today we will start our art book. अभी तक हम सिर्फ activities कर रहे थे, different craft activities हमने की हैं काफ़ी सारी. So अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी art book आ गई है. So we will start our art book. It's your fifth class art book. It's a 5. Begin with arts. ये देखिए, इसमें आपको इधर दिख रहे हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी activity, collage, pencil, कलरिंग एंड पैटर्न्स एंड पेंसिल कलर. सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन दिस बुक. सो वी विल स्टार्ट विद बुक नाउ. एंड बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, क्रिएटिव सा कवर आपको ऊपर से दिख रहा है, इसका कवर है. ऐसे ही अंदर भी इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं. सो हम अब अकॉर्डिंगली, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे. देन जैसे जैसे मैं कराऊँगी वैसे वैसे आप करेंगे. ये नहीं कि एक ही दिन में आप पूरी बुक को फिल कर दें, नो. सो नाउ we will start first page now. So we will check कि क्या क्या है आपकी बुक के अंदर. So ये देखिए, ये हमारा first page है. इसमें आपको एक rose flower नज़र आ रहा है. Rose flower आप सबने almost देखा ही होगा real में भी, पौधा कैसा होता है, उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, petals कैसी होती हैं. बहुत सारे color के rose flower होते हैं. इधर इन्होंने red वाला बनाया है, basically red ज़्यादा दिखता है, बट ऐसे पिंक, वाइट, येलो, ब्लैक रोज़ भी होता है. बहुत सारे कलर के हमारे पास रोजेज़ होते हैं. सो हम स्टार्ट करेंगे. इन्होंने इधर हम ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि हमने इसको कैसे करना है. दिस रोज़ फ्लावर हैज़ बीन ड्रॉन विद पेंसिल क्रियोन एंड स्केच पेन. कम्प्लीट द फ्लावर गिवन ऑन राइट हैंड साइड बाय drawing missing parts and tracing the outline with red and green sketch pens. Color it with pencil crayons, keeping in view the light and shade created in the picture on your left. इसने बोला है कि जो rose flower इधर इन्होंने एक करके दिखाया हुआ है हमें right hand side पे, उसी को हमने अच्छे से ऑब्जर्व करना है. इधर मैंने आउटलाइन की है थोड़ी, बट इन्होंने बीच बीच में यहाँ पे छोड़ी थी आउटलाइंस, तो उसको हमने बहुत अच्छे से इधर कॉन्सेंट्रेटली देखना है. देन इसको कंप्लीट करना है इधर आउटलाइन के थ्रू, फ्लावर को रेड स्केच पेन से एंड लीव्स को ये, हाँ लीफ, ये इसको हमने ग्रीन कलर से पहले आउटलाइन कर लेना है. देन हम उसके अंदर पेंसिल कलर से इसको फिल करेंगे. सो इट्स अ रेड एंड ग्रीन स्केच पेन एंड रेड एंड ग्रीन पेंसिल कलर. सो वी विल स्टार्ट नाउ. आई होप कि आपको समझ आएगा कैसे करना है. फर्स्ट वी हैव टू डू आउटलाइन. ये देखो बेटा, फर्स्ट हम फ्लावर की आउटलाइन कर लेते हैं इधर से. ये देखिए, हमने रेड पेन से इधर कर लिया है. देन अभी हम अकॉर्डिंगली हम चलेंगे. ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है. फिर आप बीच बीच में जैसे जैसे मैं कराऊंगी, जैसे आपकी आर्ट क्लास होगी वैसे ही आप बुक को फिल करेंगे. ये नहीं है कि एक ही दिन में आप इसको पूरा फिल करके फिनिश कर देंगे. इसमें बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. ये इधर देखिए, इधर ग्रीन कलर है इधर, तो इधर देख के हमने इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है. सो बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में, आपने अभी तक देख भी लिया होगा. इधर इन्होंने नहीं दिया लीफ को, तो ऐसे हमने इसको जहाँ पे इन्होंने आउटलाइन नहीं दी है वहाँ में इधर ऑब्जर्व करके ऐसे 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 खुद से कर लेना है. ये देखो बेटा, सो जिसके पास आर्ट बुक है वो आर्ट बुक में करेगा, और अभी जिसको आर्ट बुक नहीं मिली है वो ले ले. अदरवाइज़ आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी. आप इसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करके किसी भी आप पेपर पे ड्रॉ करके और आप इसको कर सकते हैं.